तो कल को आप जो 10 रुपए का दूध पिला रहे हो वही दूध आपको 200 रुपए मिलेगा, तब क्या करोगे? तब भी लेंगे दूध, दूध तो तब भी लेंगे। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो? बिल्कुल, दैट इज नेचुरल। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट दे रही है तो वो तो नेचुरली बोलेंगे ना। जिस घर के आप खाना खाते हो ना, उस घर में आपको चाहे तीखा मिले चाहे मीठा मिले आपको खाना ही पड़ता है, आप उसको गलत नहीं बोलोगे। भविष्य की बात करो ना, वो किसान इसीलिए बैठे, वो अपने लिए नहीं बैठे हैं, उनकी 80-80 साल की उम्र हो गई है, उनकी एज कहाँ है? किसी को भी परेशान करने से किसी चीज का हल नहीं निकलता। तो वो उनको परेशान गवर्नमेंट क्यों कर रही है? गवर्नमेंट से बात करिए आप डायरेक्ट, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ही तो बात नहीं कर रही ना। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे पता है आप एंटी गवर्नमेंट बात है। हम एंटी गवर्नमेंट बात है की बात, एंटी गवर्नमेंट की नहीं, बात सही और गलत की है। सही हो या गलत हो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट के हक में ही बोलेंगे। तो कितना घंटा हुआ? मैंने 10 बजे दूध पिला दिया, उसके बाद में 1.5 घंटा हुआ। तो अभी आप ये सोचिए, पिछले 10 महीने से भी ऊपर हो गया, वो किसान बैठे हुए सरहदों के ऊपर, सड़कों के ऊपर बैठे हुए, उनका भी तो दर्द है। पब्लिक को परेशान करने से क्या है, जिनसे डिमांड है उनके पास जाइए। एजेंडा का मीनिंग बताओ ना। एजेंडा प्रो आपका वो है, आपका प्रो फार्मर एजेंडा है आपका, कि आपको हमें एजेंडा का मीनिंग पूछ रही हूँ मैं। आपको तो एजेंडे का मीनिंग ही नहीं पता, तो आप कैसे बोल सकते हो? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सब दर्शक जो है वो देख चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि सरकार के एम्प्लॉय सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। उनको चाहे 10 रुपए की चीज 200 में खरीदनी पड़े वो कर लेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ वो कभी नहीं बोलेंगे। हम लोगों से पूछिए मत। तो इन्होंने बोल दिया छोड़ दीजिए, तो हम इनको छोड़ देते हैं, तो हम इनको छोड़ देते हैं। कैसे देख रहे हो किसानों की तरफ से ये आंदोलन चल रहा है, कि क्या करना चाहते हो आप? समर्थन पब्लिक को परेशान करने से क्या है, जिनसे डिमांड है उनके पास जाइए, उनको उन्हीं को तो डिमांड कर रहे हैं ना वो। हमारी परेशानी उन तक पहुंचेगी तो वो आपकी परेशानी, तो आप अगर आप भी जो ये खा रहे हो ये भी तो किसानों की तरफ से, अगर उन्होंने उगाया है, उन्होंने मेहनत करी है तभी आपके पास ये खाने के लिए पहुँचे है ना। हम बाहर से देखिए, आप किस बात के पास? आप बिल्कुल, आप सीधा कह रहे हो कि आप किसानों की बातें समझ, आप सीधा उनकी तरफ से। आप देखो, हमने बोला, आपने कहा कि आपको दिक्कत आ रही है, आपने बोला आपको दिक्कत आ रही है, अभी तो आप सिर्फ 6 घंटे भी नहीं बैठे हो, अभी तो हम बायसनेस की बात होती है कि हम एक तरफ की बात करेंगे, हम आपके प्रॉब्लम सुन रहे हैं ना, आपसे पूछा कि आप ये बता रहे कि आपने सुन रही है, तब आप जाके किसानों का दर्द समझिएगा, आपका साफ यही मतलब आ रहा है। लेकिन हमें अपने दर्द पहले डील करना पड़ेगा ना, कि मेरा बच्चा खा पी नहीं रहा है। आपको ये बताइए, आप बच्चे को अभी तक खाने को नहीं कुछ मिला? नहीं, कहाँ से मिलेगा? बच्चा गाय का दूध पीता है, गाय का दूध यहाँ कहाँ मैं लेने जाऊँगा? तो अभी तो ये अभी तो 10 बजे की जो कॉल है, 10 बजे अभी कॉल आई थी, तो अभी कितना टाइम हुआ? मेरे पास अभी 11:30। तो कितना घंटा हुआ? मैंने 10 बजे दूध पिला दिया, उसके बाद में 1.5 घंटा हुआ। तो अभी आप ये सोचिए, पिछले 10 महीने से भी ऊपर हो गया, वो किसान बैठे हुए सरहदों के ऊपर, सड़कों के ऊपर बैठे हुए, उनका भी तो दर्द है ना। अपने बच्चों का देखेगा ना, तब अपने घर के बाहर निकलेगा ना पहले तो। अरे वही तो बात वो समझाना चाहते हैं, अगर आप अभी समझ लोगे इस बात को, कल को आप जो 10 रुपए का दूध पिला रहे हो वही दूध आपको 200 रुपए मिलेगा, तब क्या करोगे? तब भी लेंगे दूध, दूध तो तब भी लेंगे। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 वाली चीज आपको 200 में मिले? बात नहीं है, आप ये जो कह रहे हैं कि तब लेंगे, बच्चे के नाम से तो लेना ही पड़ेगा। देखो बात ये होती है कि आप सही और गलत की बात कर, आपने बायसनेस का दोष लगा दिया, आपने बायसनेस का। परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अभी परिवार की बात कर रहा हूँ। सही, आप सिर्फ परिवार देख रहे हो, ठीक है, कल को वो आपका बच्चा बड़ा होगा, वो भी तो परिवार बनाएगा ना अपना, तो उसमें भी तो दिक्कत आएगी ना आपको, भविष्य का कोई फर्क नहीं। अभी आप जो हो अपने बच्चे का भविष्य देखते हो ना, तो भविष्य की बात करो ना, वो किसान इसीलिए बैठे, वो अपने लिए नहीं बैठे हैं, उनकी 80-80 साल की उम्र हो गई है, उनकी एज कहाँ है? किसान सही से बैठे, आप किसी को भी परेशान करने से किसी चीज का हल नहीं निकलता। तो वो उनको परेशान गवर्नमेंट क्यों कर रही है? मोदी को, आप मोदी गवर्नमेंट को ही तो आवाज पहुंचानी है ना। गवर्नमेंट से बात करिए आप डायरेक्ट, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ही तो बात नहीं कर रही ना, गवर्नमेंट बात ही नहीं कर रही, घर के आगे धरना दी। अच्छा आपको पता है जो आप रेलवे में बैठे हो ये सरकारी है या प्राइवेट है? कुछ प्राइवेट है कुछ सरकारी है, सारी प्राइवेट। किसने बोला कि कुछ प्राइवेट है कुछ सरकारी? गवर्नमेंट सरकार, ये मोदी गवर्नमेंट से पहले सरकारी सरकार के अध्यक्ष में थी, और अब जो है अब ये प्राइवेटाइज हो गई है। आपको किसने बोला? आपको मैं बोल रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मुझे पता है। तो अब ये बताओ, अगर गवर्नमेंट जो है वो सारे अदारे बेच रही है, ठीक है, सब बेच रही है, सब प्राइवेट हो जाएगा, तो आपको नहीं पता है कि जो जिस चीज में प्राइवेटाइजेशन आ गई है?
लग रहा कि आप एंटी गवर्नमेंट बात है। हम एंटी गवर्नमेंट बात है की बात एंटी गवर्नमेंट की नहीं, बात सही और गलत की है। देखो मीडिया जो है, मीडिया हमेशा सही और गलत की बात करती है। गलत है, कुछ गलत होगा कुछ सही होगा। हर पीएसयू को बेचना, हर किसी चीज को प्राइवेटाइज करना गलत नहीं है, और हर मतलब सारी चीजों को करना सही भी नहीं हो सकता, गलत भी नहीं हो सकता। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिल्कुल दैट इज नेचुरल। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट दे रही है तो वो तो नेचुरली बोलेंगे ना गवर्नमेंट सही हो। देखो बात दैट इज नेचुरल, जिस घर के आप खाना खाते हो ना उस घर में आपको चाहे तीखा मिले चाहे मीठा मिले आपको खाना ही पड़ता है, आप उसको गलत नहीं बोलोगे। तो बात ये है सही हो या गलत हो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट के हक में ही बोलेंगे। एजेंडा को चलाइए, एजेंडा की एजेंडा क्या होता है, एजेंडा का आप एजेंडा का मीनिंग समझा दीजिए। आपका एजेंडा है कि अभी आप एजेंडा का मीनिंग क्या होता है मुझे समझा दीजिए। एजेंडा का मीनिंग मुझे समझ। आपको जिस तरह के टॉपिक पे बात करने के लिए दिया गया आप वही बात कर रहे हैं बैठ के। एजेंडा का मीनिंग बताओ ना। एजेंडा प्रो आपका वो है, आपका प्रो फार्मर एजेंडा है आपका, कि आपको हमें एजेंडा का मीनिंग पूछ रही हूँ मैं। एजेंडा क्या है ये नहीं पूछ रही हूं। आपकी सोच, आपके एजेंडा भाई क्या, आपको तो एजेंडे का मीनिंग ही नहीं पता तो आप कैसे बोल सकते हो। एजेंडा लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है, मर्जी है आपके। एजेंडा शॉर्ट टर्म भी होता है, आपके गोल शॉर्ट टर्म हो सकता है, गोल आपके लॉन्ग टर्म हो सकता है। देखो इनको एजेंडा का मीनिंग ही नहीं पता और मुझे एजेंडा की बातें बता रहे हो। हम लोगों से पूछिए मत, तो इन्होंने बोल दिया छोड़ दीजिए तो हम इनको छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, आप सब दर्शक जो है वो देख चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि सरकार के एम्प्लॉय सरकार के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। उनको चाहे 10 रुपए की चीज 200 में खरीदनी पड़े वो कर लेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ वो कभी नहीं बोलेंगे। इतना करते हैं पैसा नहीं बढ़ाते हैं, वही बात तो हम लोग ही नहीं, लेकिन वो नहीं बात है। बात आप ये देखिए पब्लिक को क्यों तंग किया। देखो पब्लिक बच्चों के खुदा देखकर देर है पर हनेर नहीं, कि तुसी परेशान हो आज ही संपर्क करो गुरु बशीर खान, कॉल करो 98154-60-154। पता लुधियाना, हर परेशानी दा हाल पाओ 100% गारंटी दे नाल। परेशानी जिवे व्याह विच रुकावट, खोया प्यार वापस पाउणा, पति पत्नी विच झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, विदेश यात्रा, इमीग्रेशन मसले, औलाद सुख, बुरे सुपने, बीमारी विच दवा दा ना लगना, लाटरी नंबर पाओ भावे 649 होवे या मेगा मिलियन। हर जगह तो निराश ते धोखा खा चुके दुखी भैन भरा एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तो खून दे हंजू नहीं रोन दियांगा। इट्स माई प्रोमिस, गुरु बशीर खान 98154-60-154। की तुसी परेशान हो 100% गारंटी नाल पाओ हर परेशानी दा हल गुरु अजमेरी बाबा, संपर्क करो 98721-70721। खोया प्यार वापस पाओ 24 घंटे। परेशानी जिमे लव मैरिज, प्यार च धोखा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, जमीनी झगड़ा, विदेश यात्रा, इमीग्रेशन मसले, औलाद सुख, बीमारी च दवा ना लगना, कीता किराया दा जड़ तो खात्मा, गुप्त वशीकरण कराओ, चाह प्यार पाओ, लॉटरी नंबर पाओ भावे 649 हो लोटो मैक्स, प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका एक बार जरूर संपर्क करन, मैं तुहाडा प्यार टुटन नहीं देवांगा। इट्स माई प्रोमिस, संपर्क करो 98721-70721।